हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ये सिंपल एंड इजी राखी बनाने वाली हूँ। तो फर्स्ट राखी बनाने के लिए मैं यहाँ गोल्डन एंड वाइट कलर के बीड्स यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ लिया है रेड कलर का ऊन, आप चाहो तो रेड थ्रेड भी यूज़ कर सकते हो। इसकी दोनों साइड्स मैंने ग्लू से इस तरह शार्प कर दिए ताकि मेरा बीड ईजिली इसके अंदर इंसर्ट हो जाए। अब दोनों साइड्स को मिक्स करके इस तरह मैं बड़ा बीड पहले इंसर्ट करूँगी, देन उसके बाद गोल्डन कलर के छोटे छोटे बीड्स दोनों साइड में डालने हैं इस तरह से। अब बस यही स्टेप रिपीट करते जाना है। पहले बड़ा बीड डालना है दोनों को मिक्स करके, फिर दोनों साइड्स को अलग अलग करके गोल्डन बीड्स डालने हैं। आप चाहो तो यहाँ पर कोई और कलर कम्बिनेशन भी कर सकते हो, बट मुझे वाइट एंड गोल्डन ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने इसलिए टू कलर्स के बीड्स यूज़ किए हैं। तो अब ये रेडी हो गई है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी था, आप लोग भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यह है इसका फाइनल लुक। तो चलो अब सेकंड राखी बनाते हैं। उसके लिए मैं यहाँ गोल्डन कलर के हार्ट्स यूज़ कर रही हूँ एंड अगेन रेड कलर का ऊन और कुछ वाइट कलर के पर्ल्स। सबसे पहले वाइट कलर का पर्ल इंसर्ट करूँगी, उसके बाद एक हार्ट, फिर एक पर्ल, फिर एक हार्ट। ये राखी बहुत इजीली बन गई थी। आपके पास जो भी बीड्स हो, फैंसी बीड्स हो, आप वो डायरेक्ट डाल के भी बना सकते हो इस तरह से। अब इसकी दोनों साइड पर मैं ये छोटे छोटे गोल्डन पर्ल्स डालूंगी ताकि इसका फिनिशिंग लुक आ जाए। तो अब ये रेडी है, ये है इसका फाइनल लुक। तो अब नेक्स्ट बनाते हैं। उसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर के घुंघरू और रेड ऊन। सबसे पहले मैं यहाँ डालूँगी वाइट बीड, ये थोड़ा फैंसी बीड है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 5 घुंघरू। ये घुंघरू प्लास्टिक के होते हैं और ये बचते नहीं हैं, मगर ये इस तरह डालने से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब यही प्रोसेस में रिपीट करूँगी, वाइट बीड देन फिर 5 घुंघरू। तो इस तरह से मैंने ये डाल दिए हैं। अब इसके साइड्स में मैं फिर से गोल्डन कलर के पर्ल्स डालूँगी, आप चाहो तो ये पर्ल्स डाल के नॉट भी टाई कर सकते हो ताकि पर्ल्स निकले ना।
तो अब ये रेडी है, ये है इसका फाइनल लुक। तो अब इजी सी लास्ट राखी बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ लिया है रेड कलर का ऊन और कुछ पर्ल्स। यहाँ पे मैं ड्रॉप पर्ल यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले वो डालूँगी, देन फिर ये ज्वेलरी मेकिंग के लिए यूज़ होता है, मुझे नाम नहीं पता इसे क्या कहते हैं, ये डालूँगी। फिर एक पर्ल, फिर यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है इस तरह से। तो अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके कॉर्नर्स पर भी मैं गोल्डन कलर के पर्ल्स डालूंगी। तो अब ये रेडी हो गई है, ये है इसका फाइनल लुक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।